नमस्कार बच्चों, आज के क्लास में आपका स्वागत है और मैं डॉक्टर सुनलता बरगोतिया। आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पाइरोल। इससे पिछली क्लास में हमने स्ट्रक्चर और सिंथेसिस ऑफ पाइरोल के बारे में डिस्कशन किया था। हमने पाइरोल बनाने की कुछ इम्पॉर्टेंट विधियाँ सीखी थी और उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में भी डिस्कशन किया था। आज हमें पाइरोल के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करना है और इसके कुछ इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर हम सबसे पहले बात करें तो हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन आती है वो है एसिडिक नेचर ऑफ पाइरोल। एसिडिक नेचर ऑफ पाइरोल में हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि पाइरोल जो है वो अपना एसिडिक नेचर किस वजह से शो करता है। हमने पाइरोल के पास देखा है कि एक एक्टिव हाइड्रोजन है जो वो डोनेट कर सकता है, जिसकी वजह से हमें पाइरोल आयन की प्राप्ति होती है। ये पाइरोल आयन जो है वो वेल रेजोनेंस स्टेबलिश्ड है, यानी रेजोनेंस से इसकी स्टेबिलिटी है, इस वजह से ये इजीली प्रोटॉन को डोनेट कर देता है। आगे हम देखते हैं कि जब पाइरोल एक हाइड्रोजन है जो लिबरेट कर देता है, उसके बाद हमें एक पाइरोल एनायन बन रहा है। ये पाइरोल एनायन पे एक नेगेटिव चार्ज है जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर्स को स्टडी करें तो लोन पेयर के साथ फर्स्ट स्ट्रक्चर में एक नेगेटिव चार्ज है जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। आप देख सकते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते ही पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं और नेगेटिव चार्ज जो है वो सेकंड पोजीशन पे चला जाता है। आगे पाई इलेक्ट्रॉन और भी शिफ्ट होते हैं, नेगेटिव चार्ज आगे शिफ्ट होता है तो नेगेटिव चार्ज नेक्स्ट जो है फोर्थ पोजीशन पे आ जाता है। इस तरह से अगर हम ये पांचों स्ट्रक्चर्स देखें तो जो नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है हाइड्रोजन के लिबरेशन, प्रोटॉन के लिबरेशन से, वो वेल स्टेब्लिश्ड है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पाइरोल एक एसिड की तरह इसमें एसिडिक नेचर हो रखता है। तो अगर हम पाइरोल को एज एन एसिड लें और उसकी रिएक्शन किसी बेस के साथ करवाएं तो हमें एक सॉल्ट की प्राप्ति होगी। तो हम ये देख सकते हैं कि पाइरोल में एक एसिडिक गुण जो है वो विद्यमान है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हम पाइरोल लें और उसकी रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवाएं तो यहाँ पे हाइड्रोजन के लिबरेशन, एक्टिव हाइड्रोजन लिबरेट हो जाता है और जो कि वाटर के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाता है। तो अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को प्लस और माइनस आयन में तोड़ें तो हमें वहाँ से हाइड्रोक्साइड आयन मिल रहा है और पाइरोल से हमें एक्टिव हाइड्रोजन मिल रहा है जो कि वाटर के लिबरेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है और हमें पोटेशियम सॉल्ट का जो पाइरोल है वो मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट से इसकी रिएक्शन करवाएं पाइरोल की, यानी ग्रिगनार्ड रिएजेंट होते हैं RMGX। तो RMGX को मैंने इस फॉर्म में मिथाइल के फॉर्म में लिखा हुआ है, R को हमने यहाँ पे मिथाइल लिया हुआ है। तो अगर कोई भी RMGX को हम तोड़ते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो MG वाला पार्ट है वो पॉजिटिव होता है और जो R वाला पार्ट है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है इसलिए यहाँ पे R जो है वो नेगेटिव है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि पाइरोल जो है वो एक्टिव हाइड्रोजन को लिबरेट करेगा और नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आने से वो पॉजिटिव वाले पार्ट से जुड़ना चाहेगा। तो हम ये देखते हैं कि इसमें नाइट्रोजन जो है वो
नेगेटिव आयन, नेगेटिव चार्ज जो है जो नाइट्रोजन का, वो मैग्नीशियम से जुड़ेगा, और जो पॉजिटिव पॉजिटिव पार्ट है ग्रिगनार्ड रिएजेंट का, वो हाइड्रोजन से जुड़ेगा। इस वजह से यहाँ पे मीथेन का लिबरेशन होता है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो हमें एक एसिडिक नेचर ऑफ पायरोल को दिखाती है। उसके आगे हम डील करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पायरोल की। हम स्टडी करते हैं इम्पॉर्टेंट जो है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन पायरोल। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिटेल में स्टडी करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे हम पायरोल का एक कॉमन स्ट्रक्चर्स लेते हैं और उसमें हम इनकी पोजीशन को नंबर करते हैं, जैसे नाइट्रोजन की नंबरिंग 1, फिर सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन की मैं नंबरिंग कर रही हूँ। अब ये नॉर्मल पायरोल है जिस पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक कर रहा है। हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो हमें इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करना है। अब मैं बात कर रही हूँ अगर हम इलेक्ट्रोफाइल को सेकंड कार्बन पे अगर हम सब्स्टिट्यूट करवाएं, तो हम सेकंड कार्बन पे सब्स्टिट्यूट कराने के लिए पाई इलेक्ट्रॉन का जो शिफ्ट है वो सेकंड पोजीशन पे दिखाएंगे, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन को सेकंड पोजीशन पे शिफ्ट करेंगे तो सेकंड पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तभी तो जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो नेगेटिव चार्ज पे अटैक करेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि नेगेटिव चार्ज के सेकंड पोजीशन पे आ जाने से जो है थर्ड पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज जेनरेट हो जाता है और यहाँ सेकंड पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ गया है। इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करने से नेक्स्ट पाई इलेक्ट्रॉन का जो शिफ्ट है वो आगे होता है और हमें ये स्ट्रक्चर मिलती है। इसी तरह से हम लोन पेयर का फिर आगे शिफ्ट करें रेजोनेंस में, अगर वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हमें नेक्स्ट स्ट्रक्चर मिलती है। कुल मिला के अगर सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होता है तो हमें 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलती है, 1, 2 एंड 3। आगे हम बात करते हैं अगर हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं थर्ड पोजीशन पे, यानी हमारे पास है पायरोल और हम उस पे इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं थर्ड पोजीशन पे। थर्ड पोजीशन पे करने के लिए हमें पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो थर्ड पोजीशन पे शिफ्ट करने पड़ेंगे, यानी हम पाई इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। तो हमें सेकंड पोजीशन पे कार्बोकेटाइन जनरेट होगा और इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करने के लिए नेक्स्ट जो है वो लोन पेयर शिफ्ट होंगे और हमें 2 जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल रही है, यानी हमें 1 एंड 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स प्राप्त होती है अगर इलेक्ट्रोफाइल थर्ड पोजीशन पे अटैक करता है। तो अब हम दोनों में कंपैरिजन करें तो एक में हमें मिल रही हैं 3 स्ट्रक्चर्स और एक में हमें मिल रही हैं 2 स्ट्रक्चर्स, यानी जो कार्बोकेटाइन है, अगर कार्बोकेटाइन है वो थर्ड C2 कार्बन पे अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा बजाय वो C3 कार्बन पे जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे। इसलिए हम देखते हैं कि नाइट्रोजन, इसलिए हम ज़्यादातर रिएक्शंस में देखते हैं कि पायरोल में जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो सेकंड एंड फिफ्थ पोजीशन पे होती है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो सेकंड एंड फिफ्थ पोजीशन जो है वो इक्विवेलेंट मानी जाएगी। इसलिए हम यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे एंड फिफ्थ पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल का इजीली जो है अटैक करवा सकते हैं। तो हमें ये इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है पायरोल में वो सेकंड एंड फिफ्थ पोजीशन पे रेडिली हमें मिलती है। आगे हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने सबसे पहले लिया है पायरोल, मैं दिखाती हूँ आपको कि हमने इधर ले रखा है पायरोल और हम सबसे पहले उसका करा रहे हैं क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन जो है कराने के लिए हमें SOCl2 के प्रेजेंस में
हम कराते हैं और हमें H2S का लिबरेशन मिलता है। जैसे ही हम क्लोरीनेशन कराते हैं हमें 2,4,2,3,4,5 टेट्रा क्लोरोपाइरोल की प्राप्ति होती है। अगर हम इनके अलावा अगर हम थोड़ी सी कंडीशंस अगर चेंज करें रिएक्शन की तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो डेफिनेटली बदल सकता है। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखें कि ब्रोमिनेशन रिएक्शन हम देख रहे हैं Br2 और ये मिथेनॉल की प्रेजेंस में जो है ये रिएक्शन हो रही है और हमें 2,3,4,5 टेट्रा ब्रोमो पायरोल मिलता है और यहाँ पे HBr का जो है लिबरेशन हो रहा है। इसी तरह से हम आयोडिनेशन भी कर सकते हैं, इस तरह से हम और भी हैलोजिनेशन रिएक्शंस को कर सकते हैं। तो इस तरह की जो ब्रोमिनेशन, क्लोरीनेशन और आयोडिनेशन जो रिएक्शन हैं उनको हम जनरली हैलोजिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन में हम पाइरिडीन की प्रेजेंस में सल्फोनेशन करते हैं। पाइरिडीन की उपस्थिति में सल्फर ट्राइऑक्साइड से अभिक्रिया पर हमें पाइरोल टू सल्फोनिक एसिड की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये सेकंड पोजीशन पे है सल्फोनिक एसिड, इसीलिए हमें पाइरोल टू सल्फोनिक एसिड की प्राप्ति होती है। अब हम ये देखते हैं कि पाइरोल की जो उच्च सक्रियता के कारण प्रबल अम्लीय माध्यम में पाइरोल अणु का बहुलीकरण हो जाता है। अतः हम ये देखते हैं कि नाइट्रीकरण व सल्फोनीकरण में विशेष जो अभिकर्मक, जैसे हम ले लें एसिटिल नाइट्राइट या SO3 पाइरिडीन आदि ही हम काम लेते हैं। तो इसके जो मेनली है पॉलीमराइजेशन को रोकने के लिए, अगर हम नाइट्रिक एसिड जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं बेसिकली, जैसे HNO3 ले लिया हमने, जनरली हम अगर देखते हैं कि अगर हम HNO3 लेंगे या फिर हम सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 अगर हम ले लें तो इसमें क्या है, इसका पॉलीमराइजेशन जो है रिज़ल्ट हमें मिलता है। इस वजह से हम इनको अवॉइड करके हम इसमें लेते हैं SO3N pyridine। इसमें सिलेक्टिव जो है सिलेक्टिव हमें प्रोडक्ट मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास रिएक्शन है नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन को हम HNO3 के प्रेजेंस में और एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में हम इसे करवाएं तो हमें 2-nitropyrrole मिलता है और वाटर का लिबरेशन होता है। और यहाँ पे जो अटैकिंग जो इलेक्ट्रोफाइल है वो NO2+ है। NO2+ जो है वो सेकंड पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैच हो रहा है, हम देख सकते हैं यहाँ पे, इसको नाइट्रेशन रिएक्शन कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, आगे है हमारे पास फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडलक्राफ्ट दो तरह की रिएक्शन होती है, एल्काइलेशन भी होती है और असाइलेशन भी होती है। तो अगर हम मान लीजिए कि हम एल्काइलेशन रिएक्शन कर रहे हैं या असाइलेशन रिएक्शन कर रहे हैं, तो एल्काइलेशन रिएक्शन होती है CH3 यानी एल्काइल ग्रुप का जुड़ना, जनरली हम या आर का जुड़ना, और एसाइलेशन रिएक्शन होती है COCH3 यानी एसाइल ग्रुप का जुड़ना। तो हम अगर नॉर्मली देखें तो आर ग्रुप को हम ले सकते हैं। आर ग्रुप नॉर्मली कोई भी, जैसे मिथाइल इथाइल कुछ भी हो सकता है, वो एल्काइल ग्रुप हो सकता है। और COR जो ग्रुप है यानी एसाइल ग्रुप यानी COCH3 COCH2H5 ये एसाइल जो है वो ग्रुप हो सकता है। इसको SNCl4 के प्रेजेंस में हम करवाते हैं इस रिएक्शन को तो हमें 2-acetyl pyrrole की प्राप्ति होती है और साथ ही हमें जो वो है एसिटिक एसिड भी लिबरेट होता है। नेक्स्ट आगे की कुछ जो रिएक्शंस हैं वो इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हैं, साथ ही हम इनको अलग से क्लासिफाई कर रहे हैं क्योंकि ये नेम रिएक्शंस हैं।
इनका स्पेसिफिक नाम है और हम इनको डिटेल में भी स्टडी करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन है जो पायरोल की, वो है राइमर-टीमन रिएक्शन। इसमें हम क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3 के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हम इसमें रिएक्शन करवाएं तो हमें 2-फॉर्मिल पायरोल की जो है वो प्राप्ति होती है। साथ ही हमारे पास 3KCl और वाटर का लिबरेशन होता है। और हम ये भी देखते हैं कि इसमें जो इसके अलावा हम ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें देखते हैं कि अगर हमें इसमें एक रिंग एक्सपेंडेड प्रोडक्ट भी मिलता है जो है 3-क्लोरोपाइरिडीन। हमें इसमें एक रिंग एक्सपेंडेड प्रोडक्ट भी मिलता है, वो होता है 3-क्लोरोपाइरिडीन। तो मैं इसको इस तरह से बना सकती हूँ। तो हमें यहाँ पे 3-क्लोरोपाइरिडीन भी प्राप्त होता है, लेकिन ये माइनर प्रोडक्ट होता है। जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो है 2-फॉर्मिल पायरोल। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ इसमें जानने वाली ये है कि इसमें जो इंटरमीडिएट है, मतलब जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, वो होता है डाइक्लोरोकार्बिन। तो डाइक्लोरोकार्बिन को अगर हम देखें इसकी स्ट्रक्चर, तो डाइक्लोरोकार्बिन की स्ट्रक्चर होती है इस तरह से CCCl2। यहाँ पे दो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास और Cl2। तो यहाँ पे है डाइक्लोरोकार्बिन जो है रिएक्टिव इंटरमीडिएट इन्वॉल्व हो रहा है और हमें जो मेन प्रोडक्ट है वो मिलता है 2-फॉर्मिल पायरोल। नेक्स्ट जो रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं वो है कॉल्ब रिएक्शन। कॉल्ब रिएक्शन में हमारे पास अगर हम पायरोल की रिएक्शन जो है CO2 एट हाई जो है हाई हीट एंड प्रेशर से कराएं। हाई मतलब हम जनरली यहाँ पर 393 केल्विन लेते हैं टेम्परेचर, 393 केल्विन पे अगर हम वो करें तो हमें जो मेजर प्रोडक्ट मिलता है वो है 2 पे हमारे पास एसिटिक ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। तो इसको हम कॉल्बे रिएक्शन कहते हैं। हमारे पास एक माइनर प्रोडक्ट भी बनता है जो 3rd पोजीशन पे एसिडिक ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन है, पर वो माइनर है। मेजर जो है वो यही है 2nd पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन। आगे हम बात करते हैं गेटामान फॉर्माइलेशन की। अगर हम HCN और HCl की प्रेजेंस में अगर हाइड्रोलिसिस करवाएं तो हमें 2-फॉर्माइल पायरोल जो है वो प्राप्त होता है। इसको जो है वो हम गेटरमैन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो हम रिएक्शन कर रहे हैं वो है होबेनहॉश रिएक्शन। होबेनहॉश जो रिएक्शन है उसमें CH3CN और हाइड्रोजन साइनाइड की उपस्थिति में अगर हम हाइड्रोलिसिस कराएं तो हमें 2-एसिटाइल जो है पायरोल की जो है प्राप्ति होती है होबेनहॉश अभिक्रिया में। इसमें जो है एक अगर हम सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में ले तो हम यहाँ पे ZnCl2 का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे हमने ZnCl2 का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो ZnCl2 की अगर हम मिथाइल साइनाइड के साथ पायरोल की रिएक्शन करवाएं तो इसमें जो अम्लीय जल अपघटन से हमें 2-एसिटाइल पायरोल प्राप्त होता है। तो ये हमारी थी होबेनहॉश रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन है हमारे पास नेक्स्ट। नेक्स्ट कपलिंग रिएक्शन में हम देखते हैं डाइअज़ोनियम जो है उसका हम रिएक्शन करवा रहे हैं। तो यहाँ पे जो डाइअज़ोनियम के जो पायरोल के साथ रिएक्शन करके हमें एक एज़ोडाई की प्राप्ति होती है, कपलिंग हो जाती है। तो यहाँ पे हमें एज़ोडाई की प्राप्ति होती है।
तो बेंजीन की तुलना में पायरोल जो है डाइजोनियम लवणों के साथ की प्रति अधिक क्रियाशील होता है। तो ये सोडियम जो एसीटेट की उपस्थिति में जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या बेंजीन कोई भी जो एक्स यहाँ पे है क्लोराइड के साथ एक कपलिंग रिएक्शन देता है। आगे की कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शंस हैं जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है लेकिन एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हैं पायरोल की। अगर पायरोल को हम NOCl के साथ NOH के प्रेजेंस में करें रिएक्ट करवाएं तो हमें जो है दो पोजीशंस पे ऑक्सीजन का एडिशन दिखता है, और अगर हम उसको क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ इन एसिटिक मीडियम में करवाएं तो हमें भी दो पोजीशन पे जो है वो ऑक्सीजन का एडिशन दिखता है। तो ऑक्सीजन का एडिशन ही हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, या हाइड्रोजन को हटाना या ऑक्सीजन का एडिशन जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कही जाती है। तो ऑक्सीजन का एडिशन हम इस प्रकार पायरोल में कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन। अगर हम पायरोल को सोडियम मिथॉक्साइड और मिथाइलिन आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमें रिंग एक्सपेंडेड यानी हमें रिंग जो है यहाँ 5-membered रिंग है और यहाँ पे हमें 6-membered रिंग की प्राप्ति हो रही है, तो रिंग का एक्सपेंशन हो रहा है। तो इस तरह से हम इसको रिंग को एक्सपेंड कर सकते हैं। साथ ही हमें लिबरेट हो रहा है सोडियम आयोडाइड और मिथाइल अल्कोहल लिबरेट रहेंगे बाय प्रोडक्ट के रूप में, और हमें जो पाइरिडीन है वो मेजर प्रोडक्ट प्राप्त होगा। रिंग ओपनिंग रिएक्शन है हमारे पास अगली। रिंग ओपनिंग रिएक्शन में अगर हम हाइड्रोक्साइड अमीन के साथ हाई टेम्परेचर पे इसको हीट करें पायरोल को तो हमारे पास क्या है रिंग यहाँ से रिंग का जो है ब्रेकेज दिखाई देता है और हमें सक्सिनिल्डिहाइड डाइऑक्सीन की प्राप्ति होती है, और साथ ही हमें जो है अमोनियम बाय प्रोडक्ट मिलता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हैं जो पायरोल दर्शाता है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस है पायरोल की जो हम नेम रिएक्शन फॉर्म में भी स्टडी करते हैं। आगे के लेक्चर में हमें इसी तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज थायोफीन के लिए और फुरान के लिए भी हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।